किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें या फिर बात करें मार्केट की, जब भी हम कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेते हैं तो हमारी विनिंग की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हम 10-5 रुपये किसी शेयर को थोड़ा सा महंगा ज़रूर ले सकते हैं या फिर इंडेक्स को ले सकते हैं, लेकिन जब हम कन्फर्मेशन के बाद एंट्री करेंगे तो हमारी विनिंग की सही ट्रेड की सही होने की प्रॉबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ऐसा ही कुछ आज के दिन हुआ, जब इससे 2-3 दिन पहले मिड कैप इंडेक्स में एक बाउंस आया था तो उस दिन हम बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे ये वनडे वंडर या फिर किस तरह से, ऑल दो सपोर्ट से बाउंस हुआ था लेकिन ये किस तरह से आगे कंटिन्यू रहने वाली ये रैली, इसलिए उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा और आज के परफेक्ट एक बाउंस आया। मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, आई एम वेरी श्योर कि आज के दिन भी आपका पोर्टफोलियो बड़ा ही अच्छा ग्रीन होगा। और फिर पर्टिकुलर स्टॉक की अगर बात करें, जितने भी इसके स्टॉक्स हैं, कोई 8 कोई 10, कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं स्मॉल मिड कैप के जो 15% तक एक ही दिन में आज के दिन भागे। इनमें से कुछ शेयर आज के दिन प्राइवेट चैनल वालों के साथ भी शेयर हुआ था। आई एम वेरी श्योर कि आज के दिन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा क्योंकि उनमें से कुछ शेयर कोई 8% कोई 4% पहले ही दिन में इतना रिटर्न दे चुके हैं। इसके बाद अगर मार्केट की ब्रेथ को समझने की कोशिश करें, 1080 के आसपास ये ब्रेथ है, वहीं बात करें 692 के आसपास, इससे आप ओके कह सकते हो या फिर अच्छा कह सकते हो। फोकस करें इसके बाद इंडेक्स के ऊपर, सेंसेक्स की बात करें, यानी 56,000 को टच कर दिया, उससे ऊपर निकल गया है पहली बात। बात करें निफ्टी के, जो एक कैप लगा हुआ था 16,700, आज के दिन उसको टच भी किया और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरह से क्लोजिंग हुई है, हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा और हमें मोमेंटम और भी ऊपर का दिखाई पड़ सकता है। इसके लिए तो हम आगे बात करेंगे ही, संडे स्पेशल का वीडियो डेफिनेटली आएगा, उस दिन भी हम बात करेंगे। बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी 500 के आसपास की जो रेंज है उसी से थोड़ा सा ऊपर रहा लेकिन फ्लैट में क्लोज हुआ है। बात करें मिड कैप, मिड कैप में एक अच्छा बाउंस आज के दिन देखा गया, 1% से ऊपर क्लोज हुआ है। कहाँ थी तेज़ी, आप यहाँ देख सकते हो, निफ्टी ऑटो आज के दिन बड़े दिनों के बाद ये ग्रीन निशान में है। आईटी की बात करें एंड उसका पीएसयू बैंक, एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ आज के दिन जहाँ लाल निशान आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तेज़ी कहीं थी जो वीक हैंड थे फार्मा, कई दिनों से इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, आज के दिन 1% से ऊपर 1.38% ये सेक्टर अप रहा। उसके बाद बात करें मेटल, मेटल भी आज के दिन अच्छा चमका है, अच्छा शाइन किया, आप यहाँ देख सकते हो 1.63% अप रहा। फोकस करें, एक भी सेक्टर ऐसा नहीं जो लाल निशान में आज के दिन है। रियलिटी की बात करें, मीडिया एनर्जी हर जगह आपको तेजी दिखाई दे रही है, इंफ्रा 1% से ऊपर, कमोडिटी 1% से ऊपर एंड पीएससी, ये सारे 1% से ऊपर क्लोज हुए हैं। इसके बाद फोकस करें कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट हमें क्या क्लोज दे रहे हैं। जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी में 16,720 के आसपास दिखाई दे रहा है, यानी 700 के आसपास हम क्लोज हुए, उससे ऊपर दिखाई दे रहा है। अब है कल के दिन हमारा छुट्टी, तो मंडे हम देखेंगे किस तरह से हमें ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट्स वहाँ से आते हैं, क्लोज देते हैं। बाकी तो चार्ट के बेसिस पर हम डेफिनेटली डिस्कस तो करेंगे। डेक्स का एक्सपोर्टर की बात करें, सभी हमें एज ऑफ नाउ फ्लैट दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद बात करें कौन रहे टॉप गेनर आज के, अल्ट्राटेक सीमेंट, यानी ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास ये तेज रहा। हिंडाल्को की बात करें, मेटल भागा है तो हिंडाल्को भी है, एसबीआई लाइफ एंड लार्सन, ये रहे टॉप गेनर आज के निफ्टी के। लूजर की बात करें, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस में एक अच्छी ऊपर के लेवल से एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, यानी 1750 से भी ये ऊपर गया था एंड वहाँ से आप यहाँ देख सकते हो ऑलमोस्ट 1700 के आसपास आ चुका है। एमएनएन एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये वो शेयर हैं जो इससे पहले भाग रहे थे, उनमें सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। फोकस करें इसके बाद इंडिया विक्स के ऊपर, इंडिया विक्स आज के दिन 1% के आसपास कूल ऑफ हुआ, यानी 13.40 के आसपास है, तो एज ऑफ नाउ कंफर्टेबल है, उतनी टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। अब फोकस करते हैं यूबीएल के ऊपर, कल ही हमारी बात हुई थी, मॉर्निंग में एक अच्छा इसमें अपमूव आया था, आपको टेलीग्राम पे भी बताने की कोशिश की थी, अगर आप उसका पार्ट नहीं बने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ओपन है जो सभी के लिए, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा एंड जो प्राइवेट चैनल है उसका भी आपको लिंक प्लस प्रोसेस सब कुछ मिल जाएगा, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। प्राइवेट चैनल पर जो रियल टाइम बेसिस पर जो हमारे पर्सनल ट्रेड होते हैं वो हम शेयर करते रहते हैं। यहाँ क्या हुआ था, आप यहाँ देख सकते हो, जो इसने हाई लगाया था 1467 के आसपास लगाया था, यानी 2% के आसपास से अप गया था, वहाँ से सेकंड हाफ में कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो आई है, उसके बाद भी रफली 1% के आसपास ये पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। अभी भी इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, जस्ट शुरू हुआ है, बट ये ध्यान रहे कि जिस हिसाब से, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस टाइम होराइजन के लिए हमने इसको लिया है, बस उसको ध्यान रहे, उसी हिसाब से हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहेंगे आगे।
दूसरे शेयर के ऊपर बात करें SBI कार्ड। SBI कार्ड की हमारी कल भी बात हुई थी कि बड़ा ही अच्छा और कम टाइम में इसने हमें क्विक रिटर्न दिया है। 1100 के आसपास इसका इंपॉर्टेंट जो है जो रेजिस्टेंस है वहीं से वापस आ चुका है। इंट्राडे बेसिस की बात करें 1115 के आसपास, 1115 के आसपास इसका रेजिस्टेंस था, ये वहाँ तक नहीं गया। ऑल दो डेली बेसिस पे 1100 और इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा सा ऊपर था, वहीं से वापस आ गया। रफली अगर बात करें तो कुछ दिन हो सकता है यहाँ पे शांत रहे, थोड़ा सा एक आध दिन शांत रहे, और उसके बाद जब भी इसके ऊपर निकलेगा सस्टेन करेगा, अच्छा अपमूव अभी भी आना बाकी है। नेक्स्ट हम बात करें संडे स्पेशल का वीडियो डेफिनेटली आएगा, उस दिन हम डिस्कस करेंगे क्या रह सकता है दिस वीक की, अगर जो मार्केट की मूवमेंट क्या रह सकती है, कौन से ऐसे न्यूज़ एंड ट्रिगर हैं जो मार्केट को इफेक्ट करेंगे, एंड साथ ही में कुछ शेयर के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अगर आपको के पास भी कुछ ऐसा शेयर है जो आपको लगता है कि डिस्कस करना चाहिए या फिर उसके ऊपर एक बार रिव्यू करना चाहिए, आप हमें कॉमेंट में बता सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा चैनल पर, आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।